नमस्कार दोस्तों, सेना से जुड़ी इस वक्त की खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के मंगलोर में सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को फौज में सीधे भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले एक गिरोह का मिलिट्री एजेंसी ने भंडाफोड़ कर दिया है। मिलिट्री एजेंसी ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के श्यामपुर में एक घर में छापा मारते हुए गिरोह की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार उत्तराखंड मिलिट्री एजेंसी को उनके गुप्त सूत्रों द्वारा हरिद्वार एम रुड़की में युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने एवं फर्जी नियुक्ति पत्र देने की जानकारी प्राप्त हुई। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी पर मिलिट्री एजेंसी ने इस पर कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की तो उसमें मुख्य आरोपी सेना से भागा हुआ सोनू पुंडीर पाया गया। वह अपनी एक महिला साथी एवं अन्य युवाओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश हरिद्वार रुड़की के कई युवाओं को चूना लगा चुका है और अब तक यह गैंग युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। बता दें कि यह गैंग युवाओं से 12.5 लाख रुपए लेकर सेना में भर्ती करवाने का झांसा देता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।